चलिए तो मिस्टर दीप्ति के बिहार स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। देखता हूं किसका कितना स्कोर आता है, इसमें आप अपने आप को टेस्ट करिएगा कि आपका कितना स्कोर होता है। तो चलिए, बिहार के किस क्षेत्र में अधिकतम औसत वर्षा का अनुभव होता है, इनमें से किस क्षेत्र में? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना या भागलपुर? बिहार के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जल्दी बताओ, सभी लोग जुड़ जाओ। और एक बात तय है कि जो लोग लगातार क्लास करेंगे उनका रिजल्ट तय है, तो लगातार जुड़ते रहिए। अजय कुमार, मिशन 50 वाले, वेद प्रकाश, संजना कुमारी, सुधांशु कुमार, मोहम्मद जावेद अख्तर, नीतू कुमारी, राकेश राही, सभी लोग को शुभकामनाएं, सभी लोग का आशीर्वाद। जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को एक बार अपने सारे ग्रुप में, सारे चैनल पर शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। बिहार के किस क्षेत्र में अधिकतम औसत वार्षिक औसत आर्द्रता का अनुभव होता है, औसत आर्द्रता का अनुभव किस क्षेत्र में होता है? इसका सही उत्तर होगा भागलपुर। इसका सही उत्तर होगा भैया भागलपुर, नोट कर लीजिए भागलपुर। भागलपुर अंग गणराज्य में पड़ता था, यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं भैया। यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र भी कहाँ खोला गया है? भागलपुर में, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, बिहार का साक्षरता में इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कहवा स्थान है, सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार का केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा रैंक है भैया, जल्दी बताइए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का कौन सा रैंक है, जल्दी उत्तर दीजिए। जो सबसे नीचे है वही आंसर मार दीजिए, बिहार साक्षरता में सबसे नीचे। इतना आदमी पढ़ रहा है फिर भी नीचे का है जी, बिहार का साक्षरता सबसे ऊपर होना चाहिए। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आते भैया आगे। छठी सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां लागू हुई? पहली गणतंत्र, दुनिया का पहला गणतंत्र, पूरे विश्व का पहला रिपब्लिक कौन था, जल्दी बताओ कौन था भैया? वैशाली, लिच्छवी, वैशाली, दुनिया का पहला लोकतंत्र, पहला गणतंत्र, वैशाली, वैशाली। और वैशाली, वैशाली में क्या है जी? कुंडग्राम। वैशाली में क्या है जी? कुंडग्राम, जहां महावीर का जन्म हुआ था। महावीर के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर का जन्म के दो साल मानते हैं, 599 और 540। 599 भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा और कहीं कहीं 540, ज्यादा सही है 540, याद कर लीजिएगा वैशाली। नेक्स्ट आते हैं भैया, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर जी के, अगला आंसर बता दिया, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ कब? इसके लिए दो डेट आता है भैया, कुंडग्राम में जन्म हुआ कब? 540 BC, 540 BC। इसका सही उत्तर होगा 540, आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिएगा 540 में। और दूसरा डेट आता है 599 में, अगर नहीं मिले 540 तो इसको आप लगा सकते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट, महावीर स्वामी को ज्ञान कहां मिला, कहां ज्ञान मिला? जिम्भरिका ग्राम में। जिम्भरिका ग्राम में किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। एक ही बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, एक दामाद जिसका नाम था जामाली, जामाली। और पांचवा महाव्रत जैन धर्म में किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। आगे ये नेक्स्ट आइए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे भैया? ऋषभ देव, ऋषि पहले आते हैं इसलिए ऋषभ याद रखना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24। 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। 24वें ऋषभ देव, महावीर, सॉरी ऋषभ देव पहले ना, पहले, और ऋषभ देव 24वें, और पार्श्वनाथ 23वें। तो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप क्या कर लीजिएगा, ज्यादा दिमाग को लोड डालने की जरूरत नहीं है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर। जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो भाई, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे ये सेशन। आगे आते हैं नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न गलती किए तो तुम्हें सारा किताब को छीन लेंगे, छीन के तुम्हें पुस्तक मेला में ले चलेंगे प्रदर्शनी बनाकर। बिहार से किसने नेतृत्व किया? बाबू कुंवर सिंह। बिहार से क्या? जगदीशपुर से। बिहार से मतलब कहां से? जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर
आरा से नेतृत्व किया बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, गया से करीम अली, और तात्या टोपे कहां से? ग्वालियर से, ग्वालियर से। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मंगल पांडे कहीं से नहीं, बंगाल के बैरकपुर से थे, ये 57 की क्रांति का हिस्सा नहीं थे। आगे आइए, नेक्स्ट। बैरकपुर कहां है जी? किस राज्य में बैरकपुर है? बैरकपुर कहां है? कलकत्ता के पास, सियालदह के पास। सियालदह नाम सुना है? कलकत्ता के बगल में बंगाल में एक जगह सियालदह, सियालदह के बगल में ही बैरकपुर है। मैं गया हूं एक बार, इसलिए बता दिया आपको। कभी भी कलकत्ता से आपको बैरकपुर जाना है ना, तो सीधे बस जाती है बैरकपुर, ठीक है ना? बस बैठिए एकदम, हावड़ा ब्रिज जो है ना, हावड़ा स्टेशन, वहीं से बैरकपुर जाती है बस। या फिर ट्रेन से जाना चाहते पहले कहां जाओगे? सियालदह, सियालदह से फिर बैरकपुर। क्लियर है? छावनी है। अरे मैं गया था एक्चुअली, जब पढ़ता था मैं तो एयरफोर्स का पेपर देने गया था। चलिए, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन। सुन लो, आजादी से पहले दो ही अधिवेशन बिहार में हुआ, 1912-22 12 में पटना बांकीपुर, 12 में पटना बांकीपुर, और 22 में गया। बांकीपुर में अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. माधोलकर। और गया में कौन थे? चितरंजन दास, याद रखिएगा। अब पंडित नेहरू पहली बार इसी सेशन में पिताजी के साथ घूमने आए थे। पंडित नेहरू पहली बार बांकीपुर में ही कांग्रेस में भाग लिए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा सत्याग्रह सर्वाधिक लोकप्रिय है? बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह, या भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए, बिहार का कौन सा सत्याग्रह ज्यादा सक्रिय है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? अप्रैल 1917 में। किस लिए हुआ भैया? तीन कठिया पद्धति, यानी 3/20 पर मील की खेती करने को कहा जाता था। 3/20 भी बगल में नोट कर लीजिएगा, हमारे यहाँ 1 बीघा 20 कट्ठे के बराबर होता है। नेक्स्ट आइए, बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? भाई जल्दी से उत्तर दीजिए। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना जिस साल देश में हुआ उसी साल बिहार में भी हुआ। उन्नीस सौ तेईस में हुआ। नोट कर लीजिए, 1923, ऐसे लिख लो। 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किस लिए भैया? चुनाव में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट आइए, अगला। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन दो जगहों पर हुआ? बताया हुआ था, ये पुराना क्वेश्चन है, बताओ किन दो जगहों पर हुआ भारत में, बिहार में नमक सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह का स्थान बिहार में कहां कहां था जी? 1930 के नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण। नोट कर लीजिए, चंपारण और सारण। आगे आइए, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर जनरल थे। बिहार के पहले गवर्नर जनरल सर जेम्स डेविड सिफ्टन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं। बिहार से कौन कौन से ऐसे दो नेता हैं जो बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे? बताइए जल्दी से, कौन कौन दो नेता हैं जो बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे? भोला पवन शास्त्री और जगन्नाथ मिश्रा, ये बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नोट कर लीजिए, बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री भोला पवन शास्त्री और जगन्नाथ मिश्रा रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार कितनी बार बने हैं भाई? 5 बार, ज्यादा बार हो गया ना। आगे आइए,
ये लोग बिहार के मालिक हो गए हैं, थाती कि मेरे नाम का बिहार है। बिहार के विधान परिषद के 75 सदस्यों में से कितने विधानसभा से चुने जाते हैं, बिहारे का नहीं, बिहार का ही नहीं, पूरे भारत में जितने विधान परिषद हैं, तो विधानसभा कितने लोगों को चुनता है, एक तिहाई। ये बिहार के लिए नहीं भैया, किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो वहां के विधानसभा कितने लोगों को चुनेगा, एक तिहाई, एक तिहाई चुनेगा। नोट कर लीजिए, आगे आइए। आगे निम्नलिखित में से कौन बिहार विधान परिषद के दो बार अध्यक्ष रहे, बिहार विधान परिषद के इनमें से कौन व्यक्ति दो बार बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, जल्दी से उत्तर दीजिए। कौन व्यक्ति हैं बिहार विधान परिषद के दो बार अध्यक्ष रहे, राम गोविंद सिंह। इसका उत्तर होगा राम गोविंद सिंह, बिहार विधान परिषद के दो बार अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है, राम गोविंद सिंह। नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है, कौन सा मिलान गलत है। फल्गु के किनारे गया कौन नहीं जानता, इसी को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, निरंजना नदी, इसी को फल्गु भी बोलते हैं। सरयू के किनारे छपरा सही है, सोन के किनारे हाजीपुरी गलत है, हाजीपुर गंगा के किनारे और गंगा नदी किनारे पटना सही है। तो 15 क्वेश्चन हमने किया, कैसा लगा आपको सेशन, एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन। सेशन को लाइक कर दे, अच्छा लगा तो जल्दी लाइक कर दो, और लाइक कर दो गुरु जी के लिए, उनके मेहनत के लिए, एक बार लाइक तो बनता भी है, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कैसा लगा सेशन। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं, ऐसे ही खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और हमेशा हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ पढ़ते रहो और लगातार जुड़ते रहो। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।